पन्ना कलेक्टर कोविड-19 को देखते हुए समस्त तहसीलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मुंह पर मास्क न लगाने वालों लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी सख्त निर्देश दे रहे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कोविड-19 को देखते हुए समस्त तहसीलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मुंह में मास्क न लगाने वालों लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं, जिसमें आज पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा अमानगंज तहसील के बालक छात्रावास में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय समस्त विभागों की मीटिंग लेते हुए प्रशासन को आगामी त्यौहार रक्षाबंधन एवं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हमें 3 महीने तक सख्ती से पेश आना है और लोगों को समझाना है कि आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन पर एवं धार्मिक आयोजन पर भीड़ न लगाए। वहीं जिला कलेक्टर को कोविड केयर सेंटर में निरीक्षण करने के दौरान मिली अनियमितताएं को लेकर कड़ा रुख अपनाया और जमकर फटकार लगाई एवं स्थानीय नगर प्रशासन एवं तहसीलदार अमानगंज को कोविड सेंटर की सेवा को दुरुस्त करने की हिदायत दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को बाहर से आने वाले एवं संदिग्ध लोगों पर तुरंत निगरानी में रखकर तुरंत सैंपलिंग करवाने का निर्देश दिया। वहीं पन्ना कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि लगातार नगर में बढ़ रही भीड़ को लेकर हमने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों की मीटिंग करें एवं व्यवस्था बनवाएं और अगर इसके बाद भी दुकानों में या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भीड़ लगती है तो उन दुकानों की सीडल करने की भी कार्रवाई की जाए। जी सर, आज अमानगंज निरीक्षण किया गया है, अमानगंज दौरा रहा, कैसा सर, कैसा रहा? जी, अभी सभी तहसीलों में औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं ताकि कोविड को लेकर व्यवस्था है वहाँ की, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और उसको संबंधी वस्तु स्थिति और हेल्थ संबंधी डिपार्टमेंट से संबंधित चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं जी। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं, कुछ छोटी छोटी कमियाँ थी, उनको निर्देशित किया है कि आज की आज भी पूर्ति करें ताकि हम लोग परफेक्शन के साथ में काम कर पाएँ। सर, देखा जा रहा है कि आगामी हिंदू त्यौहार जो कि आ रहा है रक्षाबंधन, उसको लेकर सर क्या तैयारी रहेंगी जिले में? देखिए, शासन ने आप सभी को विदित है कि 14 तारीख को गृह मंत्रालय ने, वो शासन ने जो है वो निर्देश जारी कर ही दिए हैं जी। उसके आधार पर हमने 144 भी लगा रखी है जी। तो आगे हम आपके माध्यम से सभी जनों से आग्रह करेंगे जी कि वे अपने घरों में ही समस्त त्यौहार जो आने के समस्त समुदाय के समस्त त्यौहार जो है वो घरों में ही मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, प्रोसेशन ना निकालें, जुलूस ना निकालें, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ना करें, हमारा आपके माध्यम से वो आग्रह रहेगा। इस चीज़ के लिए हमने धारा 144 भी लगा रखी है जो राज्य शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर लगाई। लगातार अमानगंज प्रशासन मुस्तैद देखा जा रहा है सर, यहाँ पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैला, लेकिन नगर अमानगंज में जो मंगलवार को बाजार लगाया, साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है, उसमें सर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने अभी आज पुलिस के अधिकारी और जो तहसीलदार हैं उनको भी ये कहा है कि व्यापारियों के साथ बैठक करके जी एक स्वैच्छिक रूप से उसको नियंत्रित करने का कार्य, हाट बाज़ार को एक नॉर्मल व्यापार चलता रहे लेकिन हाट बाज़ार और भीड़ का जो है उसको नियंत्रित करके और एक दिशा निर्देश जारी करके और उनका एक व्यवस्था सिस्टम बनाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और साथ साथ में जो व्यापार है वो भी हो सके। ओके सर, धन्यवाद। लेकिन यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो फिर हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और सख्त कदम उठाने में हम दुकानें सील भी कर सकते हैं क्योंकि हमने 144 में इसका उल्लेखित किया है जी। तो फिर उसके लिए व्यापारी जिम्मेदार होगा। ओके सर, धन्यवाद।